हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस पाठिया है और आप देख रहे हो पाठिया सेलिंग एंड कंसल्टेंसी। आज हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट हम किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदे हुए हैं मगर आप वन नोट को इग्नोर करते हो। मगर वन नोट जो भी टीचर ऑनलाइन बहुत सारा लिखना चाहता है पढ़ाते वक्त, उसके लिए बहुत ही कारगर टूल है, सॉफ्टवेयर है। तो आज देखते हैं हम किस तरीके से वन नोट को हम यूज कर सकते हैं मैथ्स जैसे लेंथी टॉपिक्स पढ़ाने के लिए जिसमें बहुत सा लिखना पड़ता है। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका वन नोट इस तरीके से ओपन होने के बाद दिखेगा। ये वन नोट 10 यूज कर रहा हूं मैं, विंडोज 10 वाला। तो चलिए फिर इसमें सबसे पहले बेसिक हम हायरार्की समझ लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट में शो नेविगेशन करके यहां पर बता रहा है। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं। अब शो नेविगेशन करने के बाद यहां पर देखिए श्रेयांसिस नोटबुक यहां पर बता रहा है। अब मैं जैसा ही इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर आप नीचे देख सकते हो मैं ऐड नोटबुक कर सकता हूं। तो चलिए मैं एक नोटबुक ऐड करता हूं। यहां पर अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स पढ़ाना है ऑनलाइन, तो मैं इसको मैथमेटिक्स क्लास 10, मान लो क्लास 10 के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मैथमेटिक्स क्लास 10 ये नोटबुक मैं क्रिएट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास 10 नाम की नोटबुक ओपन हो गई है। मैं चलिए वापस इसी पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 की नोटबुक जो है, मैं राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर निकनेम नोटबुक यहां पर दिया हुआ है। सिंक अगर आपको करना है कहीं पर, सिंक्रोनाइज अगर करनी है तो आप कर सकते हो। क्लोज दिस नोटबुक आप कर सकते हो। नोटबुक कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो और आपको ये नोटबुक का कलर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं अभी रेड कर लेता हूं, तो ये रेड हो गई। उसके बाद कॉपी लिंक टू नोटबुक, तो ये लिंक भी आप शेयर कर सकते हो और ये नोटबुक अवेलेबल हो जाएगी आपके स्टूडेंट्स को। पिन नोटबुक टू स्टार्ट, मतलब जैसा ही ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम वन नोट, वैसा ही ये नोटबुक आपकी ओपन हो जाएगी। या फिर व्यू डिलीटेड नोटबुक्स, तो ये अभी नहीं करना है। तो चलिए मैं वापस से इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए दो हिस्से दिए हुए हैं कि ऐड सेक्शन और ऐड पेजेस। अब सेक्शन में आप चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। मान लीजिए अब मैं इसको रिनेम कर लेता हूं। रिनेम सेक्शन में मान लीजिए अब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं अरिथमेटिक। देखिए मैं यहां पर मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, बट आप यहां पर कुछ भी और पढ़ा सकते हो। अब अरिथमेटिक में आप यहां पर पेजेस क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैंने ऐड पेजेस किए तो ये पेजेस ऐड होते जा रहे हैं। अब यहां पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहां पर डिलीट पेज करके भी है। अब जैसा कि आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ा रहे हो तो काफी सारे लेंथी एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, तो अब ये जो लेंथी एक्सप्लेनेशंस रहते हैं तो ये इसके लिए वन नोट सबसे बेहतरीन रहेगा। तो जैसा जैसा आप वो सॉल्व करते जाओगे वैसा वैसा आप पेज आपका स्क्रोल डाउन कर सकते हो बड़े ही कंफर्टेबली। तो यहां पर मान लीजिए मैं अभी इसको देता हूं रीनेम करते हुए, पहले पेज का नाम देता हूं एडिशन। यहां पर मैं सिर्फ मेरा एडिशन पढ़ाने वाला हूं, तो अभी इस स्पेस में मैं कितना भी कुछ भी यहां पर सॉल्व करके बता सकता हूं। मान लीजिए अब मेरा डिजिटल पेन यहां पर अटैच्ड है, तो यहां पर मैं जैसा ही पास में लाता हूं मेरा डिजिटल पेन, वैसा ही देखिए ड्रॉ वाला पूरा ओपन हो गया है। अब यहां पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इरेजर का, दूसरा ऑप्शन है डार्क ग्रे कलर के पेन का, दूसरा तीसरा ऑप्शन है इंडिगो कलर है, उसके बाद ऑरेंज कलर है। यहां पर आपको हाइलाइटर भी अवेलेबल है, उसके बाद एक ग्रे कलर की पेंसिल है आपको, उसके बाद पेन है, वापिस एक पेन है और वापिस एक पेन है। ये शार्प है, ये थोड़े मोटे पेन है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं रेड वाला पेन यूज कर लेता हूं, तो जैसा यहां पर मैं अभी ड्रॉ कर सकता हूं कि 1+1=2, 2+1=3। तो यहां पर कंफर्टेबली मैं इस तरीके से पढ़ा सकता हूं और फिर यहां पर मैं अलग अलग टाइप के शेप्स भी ड्रॉ कर सकता हूं। जैसा मान लीजिए अब मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो मैं यहां पर ऐसा ट्रायंगल ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकता हूं। या फिर इंक टू शेप भी ऑप्शन अवेलेबल है। इंक टू शेप में क्या होगा, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और वो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली अच्छे से बन जाता है। मैं एक सर्कल बनाता हूं और वो सर्कल ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये इंक टू शेप वाला भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद मैथ्स में अगर आप जाते हो तो आप काफी सारे इक्वेशंस यहां पर बना सकते हो। मान लीजिए मैंने कुछ भी रैंडम लिख लिया है, अब ये जो है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद
मैं देखिए ये पूरी इक्वेशन कहीं भी मूव कर सकता हूं मेरे पेज में, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है यहां पर। तो अगर आपको ये ड्रॉ वाला ऑप्शन समझ में आ गया है तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे। अब यहां पर जैसा ही आप होम में जाओगे वैसा आप यहां पर टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, ठीक है, और क्लिपबोर्ड भी आपको यहां पर नजर आएगा। अब मैं मेरा डिजिटल पेन रख देता हूं और आपको टेक्स्ट टाइप करके बताता हूं यहां पर। तो यहां पर देखिए, मैं मान लीजिए सिखाने के पहले यहां पर ही ऊपर एक क्वेश्चन अपलोड करके रखता हूं कि इफ 10 मैंगोस कॉस्ट्स। अब ये क्वेश्चन मेरा बनाया मैंने। अब यहां पर देखिए आप अलग अलग यहां पर टू डू बना सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट अगर है कुछ तो उसको मार्क कर सकते हो या क्वेश्चन को भी ऐसा इस तरीके से सिंबल दे सकते हो। यहां पर ये क्वेश्चन है तो देखिए यहां पर इस तरीके से ये सिंबल क्रिएट हो गया है यहां पर, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद इसको आप हेडिंग बना सकते हो, ठीक है, हेडिंग वन पेज टाइटल। तो ये पेज टाइटल मान लीजिए मैंने कर दिया, अब इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज कलर भी चेंज कर सकता हूं, इसका कलर मान लीजिए मैं रेड कर लेता हूं। तो देखिए इतनी सारी चीजें मैं यहां पर कर सकता हूं, और फॉर्मेट पेंटर भी मैं यहां पर कर सकता हूं जो अपने वर्ड और पीपीटी में भी ऑलरेडी होता है, या फिर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग भी अगर करनी है तो कर सकता हूं। और यहां पर आप काफी सारे फॉन्ट्स में से भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना है, या फिर यहां पर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत से लोगों का ये रहता है कि लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो देखिए इस स्टेप पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये स्क्रीन बड़ी हो गई है, मतलब आपका स्पेस बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप यहां पर बुलेट पॉइंट्स भी दे सकते हो, नंबरिंग भी कर सकते हो, और इस तरीके से अलाइनमेंट भी आप चेक कर सकते हो। अब हम आएंगे इंसर्ट पे। अब इंसर्ट में आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हो, प्रिंटआउट्स को इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, और कोई ऑनलाइन वीडियो की लिंक या ऑनलाइन लिंक आपको देनी है तो ये भी आप 100% दे सकते हो। ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो आप पढ़ाते वक्त तो यहां पर भी कर सकते हो। उसके बाद मीटिंग डिटेल्स यहां पर दे सकते हो, सिंबल्स इक्वेशंस एंड मैथ्स यहां पर आप कर सकते हो। यहां पर देखिए सिमिलरली आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये है इंसर्ट स्टिकर्स। इंसर्ट स्टिकर्स जो है यहां पर आप काफी सारे स्टिकर्स इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए हाईफाई देनी है तो ये हाईफाई, इसको डन कर दिया तो देखिए ये आपकी स्टिकर बन गई। तो आप पढ़ाते वक्त बच्चों को एंटरटेन भी कर सकते हो इन स्टिकर्स के यूज से, तो इस तरीके के स्टिकर्स भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ वाला ऑप्शन हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद व्यू वाला ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आप चाहते हो जूम इन करना, कुछ एक पार्ट आपको ज्यादा जूम करके बताना है तो इसको आप जूम इन करो तो ये जूम होता जाएगा, और आप यहां पर इस तरीके से मूव भी कर सकते हो, पैन कर सकते हो, और आपका जो पेज है वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद पेज कलर भी आप बैकग्राउंड वाला चेंज कर सकते हो, मोर कलर ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर काम आएगी वो है ये रूल लाइंस। अब देखिए अगर आप डिजिटल पेन यूज करके पढ़ाना चाहते हो और आप इस तरीके का यूज करते हो तो देखिए आपको बाय डिफॉल्ट एक रूल लाइंस मिल जाती है, ये 100% मैं कर देता हूं। अब देखिए मैं यहां पर बड़े ही कंफर्टेबली लिख सकता हूं, पेन की साइज काफी मोटी लग रही है मुझे, तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं। हम कहां जाएंगे, हम ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाकर के ये बारीक वाला ले लेंगे जो है 0.5 mm वाला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको ग्राफ पढ़ाना है, देखो ग्राफ वाला चैप्टर अगर आपको पढ़ाना है तो यहां पर आप कंप्लीट ग्रिड लाइंस वाला भी ले सकते हो। अब यहां पर देखिए ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए आपको कितनी आसानी हो जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो सब कुछ मतलब ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स पढ़ाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ग्रिड लाइंस को यूज कर सकते हो, डिलीटेड नोट्स यहां पर और देख सकते हो। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात और एक रह गई है जो है इंक टू टेक्स्ट। इंक टू टेक्स्ट इंडियन वर्जन में नहीं मिलेगा आपको, इंक टू टेक्स्ट आपको अमेरिकन वर्जन में मिलेगा, इंक टू टेक्स्ट आपको इंडियन वर्जन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
तो इसलिए अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसका टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। इंसर्ट में चलिए अब मैं जाता हूं और एक पेज ऐड कर लेता हूं और इंसर्ट वाला ऑप्शन आपको बताता हूं। इंसर्ट में मैं जब फाइल इंसर्ट करता हूं तो यहां पर देखिए मैथ्स प्रैक्टिस करके एक पीडीएफ है, तो ये मैं इसको ओपन करता हूं। जैसे ही मैं ओपन करता हूं देखिए ये मुझे पूछता है इंसर्ट एज अटैचमेंट। अगर मैं एज अटैचमेंट इसको इंसर्ट करूंगा तो ये फाइल वहां पर आ जाएगी, जैसा ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, या फिर मैं एज प्रिंटआउट भी यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं। अब इंसर्ट एज प्रिंटआउट करूंगा तो ये इमेजेस जो भी वो पीडीएफ है उसकी इमेजेस यहां पर पूरी की पूरी लोड हो जाएगी। अब जितनी मोटी आपकी पीडीएफ रहेगी उतना समय आपको लगेगा। तो देखिए यहां पर ये 16 पेजेस की पीडीएफ थी तो ये इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं देखिए यहां पर ये क्लोज करता हूं और ये स्पेस मेरी बढ़ गई है। अब यहां पर आप देख सकते हो मेरे फाइल का नाम भी दिया हुआ है, तो अगर मैं ये फाइल मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि मैं इसी में से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैं प्रैक्टिस करते हुए 5+2=7 एज इट इज लिख सकता हूं, 7 को मैं टिक कर सकता हूं, या फिर कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन है तो मैं ये स्पेस भी, ये जो यहां पर ये जो राइट साइड में स्पेस है ये भी यूज कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों आप इसमें इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, मैथ्स भी पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री भी, या और दूसरी कोई भी चीज पढ़ा सकते हो। अब ड्रॉ में आते हैं। ड्रॉ में यहां पर मैं हाईलाइटर सेलेक्ट करता हूं। अब हाईलाइटर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देखिए कि मैं ये नन ऑफ दिस को हाईलाइट कर सकता हूं, ये नन ऑफ दिस को हाईलाइट कर सकता हूं, इसको हाईलाइट कर सकता हूं। तो आप जब कोई टेक्स्ट पढ़ा रहे हो या क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप इस चीज इस तरीके से आपके कंसेप्ट्स भी हाईलाइट कर सकते हो, डेफिनेशंस भी हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, अगर आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो यहां पर भी जब आप यूज करते हो डेफिनेशन तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन वाले टैब में आप कुछ भी लिखोगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब ये मैंने टेक्स्ट लिख रहा हूं, मैं टेक्स्ट मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया। यहां पर अब होम में जाता हूं, होम में जाने के बाद ये डेफिनेशन सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए दोस्तों मैं यहां पर जो कुछ भी लिखता हूं ये यहां पर आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो गया है। तो आप इस तरीके से वन नोट में नोट्स भी अगर क्रिएट कर रहे हो आपके स्टूडेंट्स के लिए तो इस तरीके से अट्रैक्टिव नोट्स आप क्रिएट कर सकते हो और ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहां से आप शेयर भी कर सकते हो ये नोट्स, ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हो। तो एंटर फुल स्क्रीन मोड में देखिए आपको इतना सा ही टैब दिख रहा है और बाकी सब कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आप जितना नीचे चले जाओगे उतना ही आपको फुल स्क्रीन है, ऊपर आपको सिर्फ आपका टूल बार नजर आ रहा है। तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा जब आप पढ़ा रहे हो तब। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत फायदेमंद भी रहेगा पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिल जाया करेंगे। थैंक यू।